नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी थियरी डॉट इन में। यहाँ पे आज हम आपके लिए सोल्जर क्लर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जो एग्जाम में आपको आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा बच्चों, ताकि आपको पूरी तैयारी अच्छे से हो पाए। आइए देख लेते हैं अपना जीएस का सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखने की बात है कि मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में है, और यहाँ पे आपको बताना होगा कि भारत में किस शहर को जैसे कहा जाता है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर या फिर अहमदाबाद, और इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत में गुजरात राज्य के अंदर जो शहर है अहमदाबाद, उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, हस्तिनापुर, नैनीताल और गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा गुड़गांव। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के तौर पे गुड़गांव शहर, जिसे गुरुग्राम अब कहा जाता है, ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे बच्चों पूछा जा रहा है कि भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविका अग्निमित्रम लिखी और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है भारवी, कालिदास, व्यास या फिर हर्ष, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा कालिदास। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कालिदास हैं उन्हें अभी भी भारत का शेक्सपियर माना जाता है। अब अपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, इसी तरीके के अगर आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक के अंदर आपको ऐसे ही 1000 से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा, और जो यहाँ पे ये जो ईबुक है इसका जो प्राइस है वो मात्र हमने 40 रुपये आपके लिए रखा है। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, खरीदना है आपको, तो उसका जो लिंक है वो आपको हमारे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये एक ईबुक है और आप इसको PDF के तौर पर यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में। यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा इसके अंदर MCQ मिलेंगे। जो खरीदने का लिंक है वो यहाँ पर पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्कस करते टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है, उसकी स्थापना 1885 में की गई थी। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसका बंटवारा हो गया था गर्म दल और नरम दल में, कौन से सेशन में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों दल में, गर्म दल और नरम दल में, कब अच्छे संबंध बने थे। जो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर है गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, रांची समझौता या फिर लाहौर घोषणा, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा लाहौर समझौता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाहौर समझौता जो था उसमें यहाँ पे गरम दल और नरम दल के बीच में अच्छे संबंध बने थे। अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति एमिटर है। जहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राष्ट्र या फिर भारत, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा कतर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कतर, जिसका कैपिटल दोहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति एमिटर ये देश करता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा लैक्टोज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लैक्टोज है उसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको आज करा रहे हैं ये आपको सोल्जर क्लर्क के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट करिए बच्चों। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती, जिसे स्टेप अप वेजिटेशन भी कहा जाता है, ये खेती की जाती है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्र, पहाड़ या पर्वत चोटियाँ या फिर रूफ टॉप को, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, जैसे कि उत्तराखंड में और हिमाचल में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे 8, 6, 4 और 2, और जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 6। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा की जो सदस्यता होती है वो किसी भी व्यक्ति की 6 साल की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लिंबाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है भाला फेंक, तीरंदाजी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा तीरंदाजी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो लिंबाराम है वो तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए हैं। अब अपने यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। जो ऑप्शन आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे है मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये आपके लिए होमवर्क टाइप का है, आप ज़रूर इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये हमारी सीरीज़ आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो रोज़ लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।